बटियागढ़ ब्लॉक के थाना मगरोन अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांडा झील के ग्राम देवगांव का मामला। मंगलवार को दोपहर भीषण आग से कई किसानों की फसल तहस नहस हो गई। यहां लगभग 15 से 20 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल में शॉर्ट सर्किट की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है। आग इतनी भयानक थी कि झोपड़ी सहित अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई है। किसान हीरालाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, लाखन सिंह, जगत सिंह की माने तो सिंचाई के पाइप भी जलकर नष्ट हो गए हैं। करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जगह जगह लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है, तो विद्युत विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है। हम मौके पर जब ग्राम देवगांव में उपस्थित हुए, ग्वालियर का नंबर 12 है, तो किसानों द्वारा प्रेस कोटवार द्वारा बताया गया है कि और क्या क्या नुकसान हुआ है? और पाइप भी मेरे 50 पाइप पड़े तो पड़िया में कछु के आलू 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 के बीज भी जला, तो सब नष्ट हो गया। लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? अब लगभग तो साहब करीब 15 एकड़ में पूरे में अच्छा गेहूँ लगा था, तो 20 करीब का बचता है एकड़ पे, 18-20 का नुकसान नहीं है बिल्कुल। उसकी बात तो एकड़ खेत बचा नीचे पूरा खत्म हो गया। कैनन न्यूज के लिए दमोह से सचिन गौर की रिपोर्ट।